मेरी इस हालत के पीछे छुपी हुई कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे। मेरी यह हालत क्यों हुई और इसका कारण क्या है, यह जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। मेरे शर्मीले स्वभाव की वजह से कभी मेरे ज्यादा दोस्त नहीं बने, इसलिए मुझे अकेलेपन से प्यार हो गया। लेकिन यह अकेलापन मुझे इतना भारी पड़ जाएगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद छुट्टियां पड़ चुकी थी। अकेले होने की वजह से मैंने टाइम पास के लिए ब्लैक मैजिक की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। उन किताबों में बहुत सारे मंत्र लिखे थे, जैसे वशीकरण करना, मृत आत्माओं से बात करना, प्रेत विद्या आदि। कई टोटके करने के मंत्र उस किताब में बताए गए थे। पहले तो मुझे लगा कि यह सब फालतू की बातें हैं, लेकिन मैंने कुछ मंत्रों का प्रयोग किया तब मुझे एहसास हुआ कि यह तो वाकई में सच है। मैं दिन में 8-8 घंटों तक भूत प्रेत पिशाच डायन और काली विद्या से जुड़ी किताबें पढ़ने लगा। एक महीने की छुट्टियां मैंने इसी काम में बिता दी और मेरे कॉलेज की फाइनल क्लासेस शुरू हो गई। कॉलेज में जाते ही मैंने अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट पर काली विद्या आजमाना शुरू कर दिया। अगर कोई टीचर गलती से डांट देता तो समझो उसकी शामत आ गई। कोई स्टूडेंट मुझसे लड़ता तो मैं उन्हें क्लास में ही खून की उल्टियां करवा देता। मैंने अपने पापा पर भी एक जादू टोना किया, जिसके प्रभाव से वह मुझे पैसे देने से मना कर ही नहीं पाते थे। मैंने उग्र साधना करने वाले तांत्रिकों से संपर्क किया। मैंने उन लोगों को अपनी मंत्र तंत्र वाली शक्तियां दिखाई। तब उन्होंने कहा कि मैं अगर भूत प्रेत की साधना करूं तो और भी शक्तियां पा सकता हूं। मैं इसके लिए तैयार हो गया। तब उन्होंने मुझे भूत प्रेत साधना के कुछ मंत्र दिए। साधना शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही मेरे घर में भयानक आत्माएं घूमने लगी और मेरे मंत्रों की शक्ति से मेरे वश में हो गई। फिर एक दिन मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की पर काला जादू किया, क्योंकि वह लड़की मुझे भाव नहीं देती थी। मेरी यह गलती मुझे बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि काले जादू के जरिए मैंने जिस प्रेत को उस लड़की पर छोड़ा था, वह प्रेत वापस नहीं आया और वह उस लड़की के शरीर में वास करने लगा। मैं कभी भी यह नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था, पर अब मामला गंभीर हो गया था। उस प्रेत के कारण वह लड़की लगातार कमजोर होती जा रही थी। वह पूरी तरह पागल हो गई थी। रात रात भर वह चिल्लाती रहती, रोती रहती। उसकी भयानक चीखें अब मेरा दिल दहलाने लगी थी। मुझे खुद से घिन आने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किससे मदद मांगू ताकि उस बेचारी लड़की की हालत ठीक हो सके। फिर मुझे ध्यान आया कि उन तांत्रिकों के पास चला जाए, शायद वहां से कुछ रास्ता निकल आए। उन तांत्रिकों ने जो कहा वह सुनकर मेरी सांसें अटक गई और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। उन्होंने कहा कि जरूर इसका इलाज हो सकता है, पर अब वह प्रेत उस लड़की का खून और मांस चख चुका है। वह प्रेत अब परिचय नहीं रहा, उसे वहां से निकाल कर किसी और के शरीर में जगह देनी होगी। और वह या तो तुम हो सकते हो या कि तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति, क्योंकि प्रेत जिद्दी होते हैं। वह अपना मनपसंद शरीर तभी छोड़ते हैं जब उसे भेजने वाला या उसका कोई रिश्तेदार अपने शरीर में उसे जगह दे। और फिर उस तांत्रिक ने यह भी कहा कि प्रेत के चंगुल में वह लड़की कुछ ही दिन टिक पाएगी और मरते ही वह भी प्रेत बन जाएगी और तुम्हारे शरीर में रहकर तुम्हारा मांस खाने और खून पीने का उसे पूरा अधिकार होगा, क्योंकि तुमने उस पर प्रेत छोड़ा था। मेरे द्वारा किए गए पाप अब मुझे इस कदर डरा रहे थे कि मैं पागल सा होने लगा। और फिर मैंने फैसला किया कि उस प्रेत को मैं अपने ऊपर लूंगा।
इस काम में उन तांत्रिकों ने मेरी मदद की। वह लोग उस लड़की के घर गए और उस बेकसूर लड़की को उस प्रेत से आजाद कराया। अब सजा भुगतने की मेरी बारी थी। आज मैं अकेला हूँ, कभी कभी बीमार भी रहता हूँ, पढ़ाई छोड़ दी है, खुद से नफरत हो गई है। वह प्रेत मेरे अंदर रह रहा है। इस बात से मुझे डर तो लगता है, पता नहीं कब वह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। उन तांत्रिकों ने कहा था कि जब तक मेरा मनोबल मजबूत रहेगा तब तक प्रेत अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, पर वह मेरा मांस खाकर और खून पीकर धीरे धीरे प्रबल होता जाएगा और फिर मेरे कमजोर पड़ने पर वह अपना उग्र रूप लेना शुरू कर देगा। मैंने उन तांत्रिकों से पूछा था कि इस प्रेत को मुझसे दूर करने का कोई और उपाय नहीं, यानी कि उसे किसी और इंसान पर छोड़े बिना दूर करना मुमकिन नहीं होगा। तब उन तांत्रिकों ने कहा कि बेटा, यह तो तेरे कर्मों की सजा है। जब तक तेरे पापों की भरपाई नहीं होगी तब तक तुझे इस प्रेत से छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर तू और गहरे पापों के दलदल में उतरना चाहता है तो अपने किसी परिवार के सदस्य को चुन ले जिस पर तू इस भयानक प्रेत को छोड़ सके। पर मैंने निश्चय कर लिया था कि अब अच्छाई के रास्ते पर चलूंगा और खुद ही अपने पापों की सजा भुगतूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। दोस्तों, मेरे लिए दुआ करना। और दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी मर्जी। धन्यवाद।